और उसके बाद फिर सेफ्टी सब गार्ड्स पे डिपेंड करती है। फॉर्चूनर भी गाड़ी होती है, जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तो लोग बचते नहीं है, मतलब गाड़ी मिल ही नहीं रही है। वैगन आर सीएनजी अगर आपको मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं इस समय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार, आज हमारे पास में वैगन आर सीएनजी और हम लोग करेंगे इसका ऑनरशिप। लेकिन पता है आज सबसे अच्छी बात क्या, और सबसे अच्छी बात थोड़ी सी यूनिक भी है, वो ये है कि जो हमारे पास में कस्टमर है, इन्होंने टाटा की टियागो की सीएनजी को कैंसिल करके इन्होंने ये अपनी वैगन आर को लिया हुआ है। तो इससे क्या रीज़न रहे हैं कि जिसकी वजह से इन्होंने वैगन आर को चूज़ किया, जानेंगे इस वीडियो में। वेल दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, सारी वीडियोज़ यूँ आपके पास में आते रहें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। जी जी, थैंक यू सर। एक छोटा सा अपना इंट्रो दे दीजिए लोगों को। सर, मेरा नाम संदीप कुमार और मैं उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं टीचर हूँ बेसिक में। जी। अच्छा सर, आपने ये वैसे वैगनार कब लिया था? ये वैगनार लिए हमने 21 तारीख को लिया था भैया। अच्छा, 21 जनवरी को ली थी हमने। ओके। और ये तकरीबन, अच्छा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी चला, वो ये कि मतलब आपने टियागो को, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि टियागो कैंसिल कर दिया था? एक्चुअली मैं जब हमने वैगनार बुक कराई थी जी, और एक तो वैगन आर की इस समय मार्केट में क्या है ना, आपको भी पता होगा सीएनजी गाड़ी अवेलेबल जल्दी मिलती नहीं है। बिल्कुल सही, ये तो मतलब जी, बहुत ही बड़ा खेल है कि मतलब गाड़ी मिल ही नहीं रही है। वैगन आर सीएनजी अगर आपको मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं इस समय। सही कह रहे, 3 मंथ में, 4 मंथ में, वरना लोगों को 6-6 महीने, 1-1 साल तक नहीं मिल पा रही वेटिंग मिल रही। बिल्कुल सही। और जो बात आप टियागो कर रहे हैं, तो उस समय जब हमने इस गाड़ी को बुक कराया था तो उस समय ये अपकमिंग थी, यूट्यूब वगैरह में दिखा रहे थे कि नेक्स्ट टाटा की भी 2 CNG गाड़ियाँ आने वाली जी। मगर हमने जो इसका वीडियो में देखा, यूट्यूब में इसका जो रिव्यू वगैरह देखे और जो वीडियो वगैरह देखे, और चूँकि वैगन आर जो गाड़ी है ये हमारे भाई के पास भी थी ऑलरेडी, तो ये हमने पहले से देख रखी थी, तो हमें ऐसा लगा कि उसमें और इसमें थोड़ा सा स्पेस का मैटर था। अच्छा। क्योंकि टियागो में थोड़ा सा स्पेस, हाँ वो कम था, और इसका स्पेस जो है, चूँकि जब हम सीएनजी गाड़ी परचेस करते हैं तो एक्चुअली में जो हमारा वो पीछे का हिस्सा होता है डिग्गी बूट स्पेस, वो ले जाती है हमारी सीएनजी किट, तो फिर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जो पीछे का हमारा बूट स्पेस है वो एरिया थोड़ा सा गाड़ी में ज़्यादा हो और अंदर का एरिया। तो इस गाड़ी में सबसे पहली चीज़ तो अंदर जो है एरिया वो भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, तो अगर कोई भी सामान आपकी पीछे बूट स्पेस में नहीं एडजस्ट हो सकती तो इसको आप अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, फुट के पास पीछे सीट में भी। और दूसरा रीज़न ये है कि मारुति एक ऐसी कंपनी है कि जिसकी बोलते हैं कि इसका जो मतलब मेंटेनेंस है ये अन्य गाड़ियों से सबसे कम होता है और ये बन हर जगह जाती है। आप जैसे कि एक गाड़ी होती है बुलेट, आप रॉयल इनफील्ड लेते हैं तो उसको बनवाने जाते हैं तो उसका एक स्पेशल मैकेनिक होता है, तभी वो हर जगह नहीं बनती। मगर हीरो की जो गाड़ियां हैं लाइक दैट पैशन प्रो या कोई भी, उसको आप चाहे जहां लेके चले जाइए, गाँव में, गली में, कूचे में, हर एक आदमी, हर एक मैकेनिक, हर एक मिस्त्री बना देता है और उसके पार्ट बड़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं, मेंटेनेंस उसका बड़ा सस्ता होता है। तो इसको हम मान के चलते हैं, वैगन आर सीएनजी हमने इसलिए ली क्योंकि हमें डेली 70 किलोमीटर का सफ़र करना होता था। अच्छा। क्योंकि जहाँ पे हमारा विद्यालय है हम उन्नाव से, वो 35 किलोमीटर, तो 35 जाना 35 आना, बाइक से जा रहे थे अभी तक 3-4 साल से, तो अब बाइक से जाने में प्रॉब्लम भी होती थी, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना सीएनजी गाड़ी ले ली जाए, जिससे कि आने जाने का ट्रेवल वगैरह ये सब हमको कॉस्टली, बहुत इकोनॉमिकली पड़ेगा जी। तो इन्हीं सारे कारणों से हमने वैगन आर सीएनजी ये गाड़ी ली है। अच्छा, वैसे सर ये कितने की पड़ी आपको ऑन रोड? ये हमको अब पूरा वेल कंप्लीट यहाँ से 7/22 की पड़ी थी, यहाँ इनके पास कुछ एसेसरीज वगैरह नहीं थी, वो हमने बाहर से लगवाई 15,000 की, तो हमें फुल कंप्लीट 7,40,000 की पड़ी है। 7,40,000 जी। एसेसरीज आपने बाहर से क्या क्या लगवाया था? एसेसरीज बाहर से जैसे कि आपका एलॉय व्हील वाला है। अच्छा। और जैसे कि आपका ये मैटिंग वगैरह जो है अंदर, लेमिनेशन वगैरह है, और सीट कवर, बाहर से डलवाए हैं इसी तरीके। और वैसे अवेलेबल ये आपको बाहर कितने के पड़े थे? ये अब एक्चुअली में पर्चा होगा उसी में सारी लिखी होंगी, इतना अच्छा, तो दिमाग में नहीं आइडिया रहता। ऑन अराउंड कितना खर्चा आया था? ऑन अराउंड 15,000 टोटल। हाँ हाँ, जो जो चीजें ये जैसे आप देख पा रहे हैं, आपने अलॉय व्हील पढ़वाया था कि व्हील कैप है? हाँ, व्हील कैप है, ये स्प्रे है, आपको ये मंदिर दिख रहा है वो इधर है ना, इसी तरीके से, और ये जो आपको सीट कवर है और ये इसके मैटिंग के नीचे का वो जो लेमिनेशन है, यही सारी स्पॉइलर है पीछे। अच्छा। इसी तरीके की करीब 10-12 चीजें थी। तो अभी कैसा मिल रहा है एवरेज आपको? एवरेज इसका बहुत अच्छा है, और एवरेज की वजह से ही ये गाड़ी सीएनजी लोग ले रहे हैं जी।
नियर अबाउट, अभी खैर ज़्यादा दिन तो हमको लिए हुए नहीं है, मगर हमने जो अनुमान लगाया है लगभग लगभग ये नियर अबाउट 80 to between 30 एवरेज दे रहे हैं। 30 के आसपास, हाँ हाँ 28 से 30 के बीच का एवरेज, 28 to 30 के आसपास। हाँ हाँ हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन और मेजर, जैसे कि आपने बोला ना कि टाटा का आपने टियागो पहले देखा था लेकिन आपको स्पेस की वजह से चीज़ नहीं ठीक लगी, लेकिन क्या है कि आज के समय में सेफ्टी वाइज, जैसे कि आप टीचर आपको समझदार हैं, सेफ्टी एक कंसर्न सबसे बहुत जरूरी है। आप देखो तो डबल एयर बैग आ गए इसमें भी। हाँ जैसे डबल एयर, वही चीज मैं पूछने लगा था कि एक्चुअली मतलब तो मारुति के ये दिमाग में थोड़ा सा नहीं आया कि एक्चुअली सेफ्टी की दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है लाइक बिल्ड क्वालिटी वगैरह होगी। अब सेफ्टी रेटिंग में इसका क्या है भैया, जैसे कि पहले सिंगल एयर बैग आती थी जी, हाँ। अभी क्या है आप देख रहे हो डबल एयर बैग कंपनी ने दे दी जी। और उसके बाद फिर सेफ्टी सब गार्ड्स पे डिपेंड करती है, फॉर्चूनर भी गाड़ी होती है, जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तो लोग बचते नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो तो फिर ये सेफ्टी पर्पज से अगर हम देखें तो इंसान अपने घर में भी सेफ नहीं है। सही, ऑल ओवराउंड बाकी अब ठीक कर दिया सेफ्टी पर्पज में, बॉडी भी थोड़ा सा अच्छी कर दी है और डबल एयर बैग भी दे दिए हैं। वैसे ये बड़ा खतरनाक आंसर है कि घोट जाने तब। वैसे आपको बता दें हमारे साथ में एक लोग और हैं, वैसे एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए भाई। जी जी जी, मैं इनका ब्रदर हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे पास आपके पास में कौन सी गाड़ी है? बस वैगन आर सीएनजी। वैगन सीएनजी है, उसका कैसा रिस्पांस है आपकी गाड़ी का? बस जितना इन्होंने बताया वो सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें रिस्पांस बहुत अच्छा है। अच्छा। स्पेस भी है और बूट स्पेस भी है, सीएनजी किट लगने के बावजूद भी, सीएनजी किट लगने के बावजूद भी बूट स्पेस भी है सफिशिएंट, और लेग स्पेस भी है, हेड रूम भी अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, सब कुछ है, एक फैमिली कार है, अच्छी कार। एक बार टैंक फुल कराने में कितना चल जाती है गाड़ी, कितने किलोमीटर तक? ये तो डिपेंड करता है, अगर सीएनजी की बात करें तो प्रेशर पर डिपेंड करता है जी, फिर भी अराउंड 30 का माइलेज तो है ही है। 30 का माइलेज आराम से मिल जाता है। और बिल्कुल। कितने केजी सिलेंडर आ जाती है गैस उसमें? वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, अराउंड अराउंड 7 to 8 केजी आ जाता है। 7 to 8 केजी के आसपास। और 7 to 8 केजी में कितना किलोमीटर चल जाता है? मान लीजिए करीब 200 plus 220 230 जी। अच्छा इतना मिल जाता है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मतलब अभी आप अपनी गाड़ी से पूरी तरीके से खुश हैं? पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होने के बाद ही इसको लिया था। अच्छा। और हम चाहेंगे जिसको भी सीएनजी गाड़ी लेनी हो तो एक बार वो वैगन आर जरूर प्रेफर करें। चलिए बहुत अच्छा लगा आपको, और स्पेस के मामले में तो नो डाउट कमी स्पेस तो है नहीं के मामले में, और इसका जो लुक है जी, एक्चुअली में इसका लुक आपने देखा होगा थोड़ा सा हैवी बना दिया है। बिल्कुल हाँ, पहले से थोड़ा सा हैवी बनाया, ऊंचाई भी है और देखने में भी हैवी है, तो इसका जो ऑल ओवर लुक है वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और गाड़ी दबती वगैरह तो नहीं? अगर गाड़ी बिल्कुल नहीं दबती, आपको एहसास ही नहीं होगा कि सीएनजी से चल रही। अच्छा, बिल्कुल जैसे पेट्रोल गाड़ी चलती है बाई पिकअप और सब में, बिल्कुल वैसे ही है स्मूथली। पेट्रोल में कैसा एवरेज देती है अगर इसको चलाते हैं तो? पेट्रोल में अब कंपनी तो बताती है कि लगभग 22 का देती है, मगर अभी पेट्रोल में हमने इसको चलाई नहीं, चलाई नहीं, सीएनजी से चला। हाँ सीएनजी से ही चला रहे हैं। अब पेट्रोल से चलानी होती तो पेट्रोल गाड़ी लेते, सीएनजी क्यों लेते? अभी अभी ऐसी, चूंकि अभी हमने जल्दी ही ली है तो अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है कि हमें पेट्रोल से चलानी पड़ी हो, अभी तो सीएनजी से ही चला रहे हैं। मगर फिर भी जैसे जो लोग बताते हैं, जो पेट्रोल वाली भी हैं जिनके पास ये वैगन आर, तो लगभग लगभग 18 से 20 का एवरेज देती है। 18 से 20 का? हाँ चलिए सही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने ऑडियो सिस्टम वगैरह लगवाया हुआ है थोड़ा सा? तब ऑडियो सिस्टम तो यहीं से मिला था। चलिए सही है, तो आप सजेस्ट करते हैं लोगों को वैगन आर गाड़ी लेनी चाहिए सीएनजी में? बिल्कुल लेनी चाहिए वैगन आर सीएनजी में, इकोनॉमिकल है, स्पेसियस है, बाई लुक अच्छी है, सेफ्टी फीचर्स में भी डबल एयर बैग आ गए हैं। चलिए तो हम तो यही सलाह देंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत अच्छी रही गाड़ी और अच्छे से चले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। वेल दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वैगन आर सीएनजी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, थैंक यू सो मच गाइस।